आज कई वर्षों के बाद ललित ग्राम रेलवे स्टेशन में बड़ी लाइन की इंजन ट्रेन के और यहां पर भीड़ देखिए कितनी खुशी यहां के लोगों में है। और यह अत्यंत हर्ष का बात है खुशी का बात है कि यहां पर भारी से भारी संख्या में क्या बच्चे हो क्या बूढ़े हो एकदम से लोगों की आंखें व्याकुल हो गई थी ट्रेन के एक दीदार के लिए। और कोसी त्रासदी के बाद यह वीरान थी। देखिए भीड़ देखिए, मैं रेल पटरी के तरफ दिखा रहा हूँ, दूर दूर तक भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यह ट्रेन जो है इंजन ट्रायल के लिए आई है, पूरी काम नहीं हुई है, लेकिन एक अरसे के बाद यह जगह भारत के भूतपूर्व रेल मिनिस्टर स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की पैतृक भूमि रही है। उनके ही नाम पर यहाँ के स्टेशन का नाम है ललित ग्राम स्टेशन। और यह अत्यंत हर्ष का बात है। और यहाँ पर ट्रेन की खुशी के लिए आतिशीबाजी की जा रही है। और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कुछ लोग यहाँ पर ड्राइवर को, एक सेकेंड हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे गांव के ही जयकृष्ण गुरमेहता जी हैं, दिनेश गुप्ता हैं, श्री आफ्ताब आलम जी हैं। लोग क्या खुशी यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, देखिए हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा पा रहे हैं। एकदम से बोलते बोलते मुझे भी इतनी अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और यहाँ पर एकदम से क्या उमंग उत्साह है, एकदम से मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। यह क्षेत्र सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है और काफी समय के बाद यहाँ पर ट्रेन आई है। क्या भीड़ है चारों तरफ, एकदम से उमंग उत्साह उल्लास के साथ यहाँ पर लोग ट्रेन की अगवानी करने आए हैं, स्वागत करने के लिए आए हैं। और यह अत्यंत हर्ष का विषय है, चारों तरफ लगभग हजारों की संख्या में लोग ट्रेन की सीटी सुनकर मैं दिखा पाता हूँ कि लोगों का उत्साह उमंग इतना ज्यादा है कि धूल ही सिर्फ दिख रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं और चारों तरफ क्या बूढ़े क्या बुजुर्ग क्या युवा, चारों तरफ लोग यहाँ पर आतिशीबाजी करके ट्रेन का स्वागत किया गया, माल्यार्पण किया जा रहा है, ट्रेन के आगे में नारियल फोड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं 2008 में कोसी नदी में जो प्रलयकारी बाढ़ आई थी उसके बाद से यह क्षेत्र बिल्कुल ही विकास के पैमाने पर दिन दिन। और इंजन ट्रायल किया जा रहा है, जल्द ही यहाँ पे मालगाड़ी भी आएगी और उम्मीद कर रहे हैं कि अब यदि इंजन आ गई है तो जल्द से जल्द ट्रेन भी आएगी।